हमने जो सुना था साइको किलर्स और सीरियल किलर्स के बारे में ऐसा सुना था कि इस तरीके से लोग मारते हैं, लेकिन अब बहुत दिख रहा है कि बहुत कॉमन जैसा होता जा रहा है। आपको किसी चीज का बुरा लगे है, आप अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते। लोगों में जो डर है कानून को लेकर वो अब बिल्कुल खत्म हो रहा है धीरे धीरे। कानून को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ऐसी वारदात हमेशा होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जो घटनाएं हो रही है एक के बाद एक, एक संस्कृति को, हमारी जो भारतीय सभ्यता हो उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। लेकिन त्रिलोकपुरी में श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही एक केस सामने आया है, जिसमें एक मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस केस पर क्या है जनता की राय, चलिए जानते हैं। सर, अभी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही एक केस सामने आया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों में इतना क्रूरता आ कहां से रहा है। कि हेटरेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सिर्फ हेटरेड ही नहीं, ये भयावहता है बहुत ज़्यादा। अपने लविंग पर्सन्स को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, इतनी क्रूरता के साथ मार रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये जो घटनाएँ हो रही हैं, चेन बन रही है इस वजह से, और इस सोसाइटी में एक फेयरनेस पैदा कर रही हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके बाद आप अंजाम क्या होगा, एटलीस्ट कानून के बारे में भी सोचो। हमने जो सुना था साइको किलर्स और सीरियल किलर्स के बारे में ऐसा सुना था कि इस तरीके से लोग मारते हैं, लेकिन अब बहुत दिख रहा है कि बहुत कॉमन जैसा होता जा रहा है। आप अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हैं, कि आपको किसी के बारे में बुरा लगा है तो आपने उसके साथ कुछ भी जो आपका दिमाग में आया आपने वो कर दिया, ये गलत है। एक लीगल कार्यवाही से उस काम को किया जाएगा तो वो थोड़ा एक लॉजिकल बनता है। आप इस तरीके से अपने गुस्से में आके किसी की भी जान ले देंगे, ये गलत है। जो तो समझ नहीं आया कि लोग काट कैसे दे रहे हैं, लोग खून देख के डर जाते हैं, लोग पीसेस में कैसे काट दे रहे हैं। लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो आप कानून को जिम्मेदार मानती हैं? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ। जब कोई चीज़ करने जाते हैं तो उसके अंजाम के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा, कानून हम पे किस तरीके से लगाम लगाएगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब कोई लगाम नहीं लगती है लोगों को, इसलिए एक जगह कोई 36 टुकड़े कर रहा है, कोई 22 टुकड़े कर रहा है। कानून हर जगह नहीं आ सकता, ना ही हर जगह पहुंच सकता समय पर। अब यहाँ पे अपराध हो जाएगा तो यहाँ कानून बैठा थोड़ा है। तो लोगों में जो डर है कानून को लेकर वो अब बिल्कुल खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इसे करने वाले लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, आप कानून बनाइए, लॉ बनाइए। कानून को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ऐसी वारदात हमेशा होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये रही जनता की राय, आपकी इस केस के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।